सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को, और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से हम लोग आधार कार्ड को वर्चुअल कार्ड के रूप में बदल सकते हैं, बना सकते हैं और उसके मिसयूज को रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा देखने में आया है कि आधार कार्ड के नंबर का बड़े पैमाने पे मिसयूज होता है, क्योंकि कई बार जब हम लोगों से डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, आधार नंबर मांगा जाता है, और वहाँ पर आधार नंबर दे देने के कारण हमारे आधार से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज होने की चांसेज होती हैं। तो इसलिए यूएआईडी के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल, जिस पे जाकर आप वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं आधार का, और उसके बाद जहाँ भी आपको आधार नंबर देने की आवश्यकता हो वहाँ पर आधार नंबर के जगह पे आप वर्चुअल आईडी दे सकते हैं। और यदि ये आईडी आप किसी कारणवश भूल जाते हैं या फिर आपसे खो जाता है तो आप दोबारा से उसे रिजनरेट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखलाऊंगा कि कैसे हम लोग वर्चुअल आईडी बना सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई क्वायरी या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जाना है गूगल पे, और गूगल पे सर्च करना है आधार का ऑफिशियल वेबसाइट। इसके लिए आप यूआरएल में टाइप करेंगे uidai.gov.in, ये आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने इसे टाइप किया है। टाइप करने के बाद ये एक नया डायलॉग बॉक्स खुल गया है, एक नया पेज खुल गया है आधार का। यहाँ पे आपको माई आधार का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। और आधार सर्विसेज में आपको देखिए यहाँ पे वर्चुअल आईडी दिख रहा है, इस पे जाकर क्लिक कर देना है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर पुट करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। इस आधार नंबर को डालने के बाद ही आप इसमें आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद नीचे में कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड पे आपको फिल करना है, बगल में दिए हुए नंबर को फिल करना है, और उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ये सिक्योरिटी के लिहाज से दिया जाता है कैप्चा कोड, तो उसे मैं फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ओटीपी के लिए सेंड कर दिया है। अब ओटीपी पे सेंड करने पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार के साथ लिंक, उस पे ये ओटीपी चला जाता है। मैं ओटीपी और उस ओटीपी को आपको लेना है, और यहाँ पे इंटर ओटीपी में जाकर उसे फिल कर देना है। मैं यहाँ पे आपको ओटीपी डालकर दिखला रहा हूँ। ये मैंने ओटीपी फिल कर दिया है वर्चुअल आईडी पे। आपको चेक बटन क्लिक कर देना है, उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। इस तरह से आप ओटीपी जनरेट करने के लिए प्रोसेस कर चुके हैं। अब आपका वर्चुअल आईडी जो है आधार का, वो क्रिएट हो जाएगा, और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे वो चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ गया है कि आपका वर्चुअल आधार आईडी जो है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे उसे एसएमएस के द्वारा भेजा जा चुका है। अब आप आसानी से उस वर्चुअल आईडी को कहीं भी आधार नंबर के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।